मूंग दाल का हलवा खाने में जितना टेस्टी लगता है उतना ही बनाना मुश्किल भी होता है, साथ ही टाइम भी काफी लग जाता है। लेकिन आज मैं आपके साथ मूंग दाल के हलवे की जो रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, इसे बनाना बहुत ही आसान है और टाइम तो बहुत कम ही लगता है, और खाने में ऐसा कि आपको बार बार बनाना पड़ेगा, क्योंकि आपके घर के सदस्य आपको बार बार बनाने को कहेंगे। जैसा मेरे साथ हुआ, मैंने जब पहली बार बनाया तो मेरे बेटे को इतना पसंद आया कि उसने मुझे दोबारा बनाने को कहा, और मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ भी ये रेसिपी शेयर करूं। तो मैं उर्मिला आपका गॉर्जियस हब में बहुत बहुत स्वागत करती हूं, और आज मैं आपके साथ मूंग दाल की इजी रेसिपी शेयर करने वाली हूं। मूंग दाल का हलवा बनाने के लिए मैंने 1.5 कटोरी मूंग की दाल ली थी, धुली हुई मूंग की दाल ली है मैंने, छोटी सी ये कटोरी है, तो इसी के नाप से मैं आपको बताऊंगी कि मैंने क्या क्या लिया और कितना लिया। तो 1.5 कटोरी दाल लेकर मैंने इसे अच्छे से वॉश कर लिया 3-4 बार पानी से, तो जब तक कि सफ़ेद पानी बंद ना हो जाए तब तक हमें धोना है। इसके बाद मैंने 1 कटोरी, जिस कटोरी से मैंने दाल ली थी उसी से 1 कटोरी घी नाप के लिया, जिसमें से थोड़ा सा मैंने डाल दिया, और ड्राई फ्रूट्स डालकर उन्हें हल्का सा भून लिया है। तो इन्हें तो मैं निकाल लूंगी, और जो घी इसमें कुकर में रह जाएगा उसे हम कुकर में ही रहने देंगे, तो इससे क्या होगा ड्राई फ्रूट्स थोड़े क्रंची से हो जाएंगे। अब इसमें मैं डाल दूंगी ये धुली हुई मूंग की दाल, तो ये यहाँ पे सारी डाल के इसे हमें भूनना नहीं है बहुत ज़्यादा, बस हल्का सा भून लेंगे, बहुत टाइम नहीं लगाना है, बस 1-2 बार चलाया। और फिर उसके बाद मैं डालूंगी इसमें दूध, 1.5 कटोरी यहाँ पे मैंने दाल ली थी, 1.5 ग्लास यहाँ पे दूध डालूंगी, ये नॉर्मल ग्लास जो होते हैं वही आपको लेना है। 1 ग्लास मैंने पहले डाल दिया, 1/2 ग्लास अब डाल दिया, और थोड़े से धागे केसर के। अब इसका ढक्कन लगा के इसमें लगाऊंगी मैं 2 सीटी। 2 सीटी में जैसे आपको पता ही है कि एकदम गल जाएगी दाल हमारी, और जब स्टीम निकल जाएगी तो हम इसको खोल लेंगे, और देखिए इस तरह से हमारी दाल गल चुकी है, और दूध भी बिल्कुल काफ़ी था जितना चाहिए था। अब इसको हम अच्छे से घोटेंगे। हाँ, घोटने के लिए हम थोड़ा थोड़ा सा दूध मिक्स कर लेंगे, बहुत अच्छे से ये एकदम घुट जाए दाल, तो इतना दूध हम थोड़ा थोड़ा करके डाल लेंगे। मैंने 1.5 ग्लास दूध पहले डाल दिया था, अब 1/2 ग्लास दूध और डाल दूंगी धीरे धीरे करके ऐसे ही, और गैस को ऑन कर लेंगे इसको अच्छे से घोटने के बाद। अब गैस ऑन करने के बाद हम इसमें डालेंगे घी, घी वही ले रही हूँ मैं जो बचा हुआ था, थोड़ा सा मैंने डाल दिया था जब ड्राई फ्रूट्स हम रोस्ट कर रहे थे, अब यहाँ पे थोड़ा और डाल दूंगी। ये गाय का घी है तो इसीलिए ये थोड़ा पीला है, आप चाहें तो आप जो भी आप यूज़ करते हैं वो देसी घी यूज़ कर सकते हैं, डाल सकते हैं, नहीं तो आप रिफाइंड भी डाल सकते हैं, लेकिन ये है कि देसी घी का अलग ही मज़ा होता है। तो अब हम इसको थोड़ा सा भूनेंगे, थोड़ा इसको चलाते रहना है ताकि दाल नीचे लगे नहीं। यहाँ पर हम देखेंगे कि थोड़ी ही देर में ये घी गायब हो जाएगा। अब मैं बाकी का बचा हुआ घी भी इसमें डाल दूंगी, मतलब मैंने अब तक 1 कटोरी देसी घी इसमें डाल दिया है, और हम इसको अच्छे से चलाते रहेंगे, नीचे लगना नहीं चाहिए, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। और थोड़ी ही देर में इसका कलर चेंज होने लगेगा। आप अगर केसर नहीं डालते हैं तो आप फूड कलर डाल सकते हैं कलर अच्छा लाने के लिए। तो ये देखिए हमारा हलवा भूनने लगा है। अब इसमें हमें कुछ और भी डालना है, तो क्योंकि हमने दूध तो ज़्यादा डाला नहीं है, हम डालेंगे यहाँ पे मावा। तो उससे पहले मैं थोड़ा और घी डाल दूँ, क्योंकि वो घी भी गायब सा ही हो गया है। तो यहाँ पे मैंने 1/2 कटोरी घी और डाल दिया है, और इसको मैंने बोल दिया अपने हस्बैंड को भूनने के लिए, और मैं भूनूंगी अब मावा। तो एक फ्राई पैन में मैंने थोड़ा सा देसी घी डालना है, और उसके बाद यहाँ पे मैं डाल रही हूँ लगभग 1.5 कटोरी मावा जो मैंने घर पे ही बनाया था, क्योंकि ये मैंने फ्रिज में रखा था तो ये थोड़ा टाइट सा हो गया है, इसे मैं भून लूँगी पहले, सॉफ्ट कर लूँगी थोड़ा। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड अच्छे से दाल को भूनने में लगे हैं,
तो हम दोनों ही इस काम में लग गए हैं। अगर आपके पास मावा नहीं है तो कोई बात नहीं, आप मिल्क मेड या मिल्क पाउडर भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने खोया भून लिया है, खोया भी बोलते हैं, मावा भी बोलते हैं। मैंने बिल्कुल जरा सा फूड कलर भी डाल दिया था हलवे में, तो इसका कलर देखिए कैसा हो गया है। और मेरा जो मावा था थोड़ा सा क्रिस्पी हो गया, लेकिन बढ़िया लग रहा था खाने में। अब मैंने इसको कर लिया अच्छे से मिक्स। आप देखेंगे थोड़ी ही देर में हलवा घी छोड़ने लग जाएगा। और यह इस तरह से मैंने यहाँ पर पूरी 2 कटोरी घी का यूज कर लिया है। अब क्योंकि दाल भी भून चुकी है, अब हम डालेंगे चीनी। तो चीनी आप अपने हिसाब से डाल लें, जितना भी आपको मीठा खाना हो। तो मैं यहाँ पर लगभग 1.5 कटोरी तो चीनी डाल दी है, लेकिन मुझे ये कुछ कम सी लगी, तो मैंने थोड़ी सी चीनी और डाल दी है। तो आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। तो ये मैंने थोड़ा सा चलाया और उसके बाद थोड़ी चीनी और डाल दी। तो अब हमारा हलवा जो है काफ़ी चिकना हो गया है, इसने घी लगभग छोड़ दिया है। अभी थोड़ा सा क्योंकि चीनी मैंने डाली है, थोड़ा हमें और भूनना पड़ेगा ताकि चीनी भी अच्छे से पिघल जाए। जैसे कि मैंने बताया कि मुझे चीनी कम सी लगी थी, तो मैंने थोड़ी और डाल दी। हमें ध्यान रखना है किनारे से हम छुड़ाते रहें, नहीं तो हलवा लग सकता है और थोड़ी ही देर में अपने आप हलवा घी छोड़ने लगेगा और हमारा हलवा तैयार हो जाएगा जब ये घी छोड़ने लगेगा। तो ये देखिए हलवा घी छोड़ रहा है, किनारों पे घी दिखाई देने लगा होगा आपको। तो हलवा तैयार है। अब मैंने जो ड्राई फ्रूट्स रोस्ट करके रखे थे उन्हें मैं चॉपर में डाल के थोड़ा सा क्रश कर लूँगी। आप चाहे तो काट भी सकते हैं, लेकिन मैंने इनको थोड़ा मोटा मोटा क्रश कर लिया है। मैं हलवे के अंदर इसे नहीं मिलाने वाली हूँ क्योंकि मेरे बेटे को ड्राई फ्रूट्स पसंद नहीं है। मैं इन्हें ऊपर से डालूंगी, तो उसे मैं नीचे से निकाल के दे दूंगी, नहीं तो वो ड्राई फ्रूट्स की वजह से नखरे करेगा। तो हमारा हलवा तैयार हो गया है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही टेस्टी हलवा बनकर तैयार हुआ है। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।